और बिल्कुल बेसिक सा आज हम एक ऐप क्रिएट करके दिखाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको आपके पास नोड जेएस होना चाहिए, जो मेन सॉफ्टवेयर है आपको रिएक्ट जेएस पे। तो आप नोड जेएस की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पे LTS वर्जन 1.6.0 ये आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सो ये विद इन 1 मिनट डाउनलोड हो जाएगा। सो वेट करते हैं। सो रिएक्ट जेएस को जो रिएक्ट जेएस जो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है उसको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्ट में, लेकिन अगर आपकी बेस स्ट्रांग हो, आपको एप्लीकेशंस क्रिएट करनी आती हो और आपकी जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो, मेन फोकस जावास्क्रिप्ट पे करें, क्योंकि इस सीरीज में आपको जावास्क्रिप्ट नहीं सिखाएंगे, इस सीरीज में आपको रिएक्ट जेएस की जावास्क्रिप्ट सिखाएंगे। तो आपको अगर वनीला जावास्क्रिप्ट या प्योर कोर जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप आराम से इस सीरीज को बड़े आराम से क्लियर कर लेंगे। और हम आगे ये देखेंगे कि हम किस तरह से रिएक्ट जेएस को यूज़ कर सकते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप और मैसेंजर जैसी एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो ये हमारा बहुत इजी सा रहेगा काम, और लेट्स सी कि हम कहाँ तक जाते हैं इसमें। हमारा ये सॉफ्टवेयर बस डाउनलोड होने वाला है, then we will install it. तो आपको सबसे पहले ये बस nodejs.org पे जाना है, ये आपको डाउनलोड कर लेना है Node.js पैकेज मॉड्यूल। कोशिश करिएगा कि LTS वर्जन डाउनलोड करें, क्योंकि LTS वर्जन में कोई ख़राबी नहीं होती और लो स्पेक लैपटॉप में भी सपोर्ट कर जाता है। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करना इंतहा आसान है, जैसे आपको नेक्स्ट 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 पे क्लिक करना है और ये आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट भी कर देगा और विद इन कम्प्लीट भी कर देगा। तो विद इन 1-2 मिनट्स इसकी इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो जाती है। आपने जस्ट नेक्स्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, देन नेक्स्ट, कोई चीज़ आपको नहीं छेड़नी ना, सब एज इट इज़। और अलाउ कर दें नेसेसरी, अगर आप चॉकलेटो वगैरह करवाना है तो सही है, वरना आप इसको अनटिक करके इंस्टॉल करवा दें। सही है, तो अभी तो मैं अनटिक करके करवा रहा हूँ क्योंकि खास रिएक्ट जेएस में तो इस चीज की जरूरत नहीं है। देन आप इसको यस कर देंगे और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। सेकंड मेथड ये है कि लोग तरह तरह के मेथड यूज करते हैं रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो लेकिन जो मोस्ट कॉमन मेथड है ना वो ये है कि रिएक्ट जेएस क्रिएट ऐप बाय फेसबुक, क्योंकि रिएक्ट जो है फेसबुक की बनाई गई लाइब्रेरी है तो हम उसी का सोर्स यूज करते हैं। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे रिएक्ट जे एस क्रिएट ऐप फेसबुक, तो आपको यहाँ पे फेसबुक में जो पूरा जो फेसबुक की मेन गिटहब रिपोजिटरी है उसमें आपको क्रिएट ऐप की एक रिपोजिटरी मिल जाएगी और वहाँ पे ये मेटाडाटा है आपके पास। ठीक है भाई, तो इसको हम इंस्टॉल होने देते हैं जब तक इंस्टॉल हो रहा है। अब आपके पास दो मेटाड होते हैं कि आप रिएक्ट की लाइब्रेरीज को यूज़ करके, मतलब रिएक्ट की क्रिएट ऐप आप किस तरह करें, मतलब कोई आप एप्लीकेशंस बना रहे हैं आप कैसे बनाएं। इसके आपके पास दो मेथड होते हैं। एक होता है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप, ठीक है, और एक दूसरा मेथड होता है npm क्रिएट रिएक्ट ऐप, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा npm init react app my app। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं npx से भी और npm से भी। लेट सपोज कि आपका npx से आपकी एप्लीकेशन नहीं बन रही तो आप फौरन npm ट्राई कर लें। ठीक है, तो ये इज अप टू यू टोटली कि आप जो है क्या npx यूज करते हैं या npm यूज करते हैं और आप उससे एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, आई थिंक ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। फाइनली Node.js मेरे पास इंस्टॉल्ड हो गया और मैं फिनिश कर चुका हूँ। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा प्रोग्रामर क्या होता है कि वो अपने एक फोल्डर्स बनाता है, उसी में सारा काम करता है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ React.js का, और मैं कोशिश करूँगा कि उसी के अंदर अपने React.js की पूरी सीरीज को कवर करूँ। तो एक फोल्डर बना लेते हैं React.js के नाम से, इस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बना लेते हैं
इसका नाम रख देते हैं चलें ये हम नहीं बनाते ना, हम प्रोजेक्ट का नाम ऐसा रख लेंगे कि वो बिल्कुल ऐसा हो। यहाँ पे सबसे अच्छी बात होती है, आप यहाँ पे डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेंगे अपना सीएमडी, और जब आप क्रिएट ऐप करेंगे तो वो इधर ही बन जाएगी। तो यहाँ पे आपने सीएमडी लिख के जैसे इंटर दबाएंगे तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा अच्छा कलर रखा हुआ है, आप सेटिंग्स में जाके आप भी इसके कलर चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में जाके आप इसका कलर फॉन्ट वगैरह बदल सकते हैं। तो ये मैंने अपने लिए एक अच्छा सा किया हुआ है। अब आपको अगर चेक करना है कि आपका npm इंस्टॉल हुआ है, Node.js इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो जस्ट आप npm लिखें तो ये आपको बता देगा कि आपके पास कौन सा वर्जन है आपके पास, सही है। तो npm हमारे पास इंस्टॉल्ड है, ये सारी कमांड आपके पास आ गई हैं, तो इसका मतलब अब हम कर सकते हैं React App को क्रिएट। तो मैंने आपको बताया कि आप ये पूरा कॉपी कर लेंगे, ठीक है, npx या npm दोनों वर्किंग होते हैं, अगर एक नहीं चले तो दूसरा ट्राई कर लें। तो जैसे ही इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। देखिए इसमें जो npx या npm क्रिएट रिएक्ट ऐप जो भी यहाँ पे होता है, ये तो वो चीज़ है कि वो क्रिएट ऐप बनाने की कमांड, लेकिन इसके पास जो माय ऐप लिखा हुआ था, जो मैंने अभी रिमूव किया है, जो यहाँ पे माय ऐप लिखा हुआ था, ये आपका एक फोल्डर बनाएगा और ये आपका प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम होगा। तो लेट सपोज हम इसको कह देते हैं हेलो वर्ल्ड, हम ऐप अपनी रिएक्ट ऐप बना रहे हैं और उस प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं हेलो वर्ल्ड एंड जस्ट प्रेस एंटर। ये एक अच्छा खासा टाइम लेगा पूरी ऐप बनाने में, तो मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा। फोल्डर तो देखें फौरन से बन जाता है, अगर आप यहाँ आएंगे देखें हेलो वर्ल्ड का फोल्डर बन गया। अब यहाँ पे ऐप बनना शुरू होगी, जो बेसिक ऐप होती है वो रिएक्ट ऐप बनना शुरू हो जाएगी और फिर हम उसको यूज कर लेंगे। तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ एंड जैसे ही ये कंप्लीट होती है फिर हम इसको फर्दर देखते हैं। तो जैसे ही आपका रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके पास ये हैप्पी हैकिंग बना हुआ आ जाएगा। अब भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो कोड है वो वर्किंग है कि नहीं है? तो इसके लिए सिंपल है कि आप इधर लिखेंगे npm start, सिंपल आपको ये लिखना है और आपकी एप्लीकेशन, अच्छा मैं मुझे उस डायरेक्टरी में भी जाना ज़रूरी है, तो मैं लिखूंगा cd hello world, ठीक है, एंड देन मैं लिखूंगा npm start। मुझे उस फोल्डर में अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाना ज़रूरी है अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। तो मैं जैसे ही ये लिखूंगा npm start, सो React JS की बेसिक एप्लीकेशन जो है वो आपके पास चल पड़ेगी। मैं ट्राई करूंगा कि हम लोग एक रिपोजिटरी भी बना लें गिटहब पे, जहाँ पे मैं हर क्लास के बाद कोड शेयर कर दूं और आपको जस्ट उसको क्लोन करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्लोन करना भी सिखाऊंगा, आपको जस्ट उसको क्लोन करना होगा, आपके पास पूरा प्रोजेक्ट एज इट इज आ जाएगा। तो अगर आपका नहीं चले कुछ ना हो तो आप क्लोन भी कर सकते हैं। तो ये लोकल होस्ट 300:3000 पे चलेगा और दिस इज आवर फर्स्ट रिएक्ट ऐप। तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्ट ऐप है और यहाँ हमने सीखा कि हम रिएक्ट ऐप कैसे बना सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करनी है तो जस्ट आप इसको, इसके लिए आपके पास कोड एडिटर होना चाहिए। तो कोड एडिटर सबसे अच्छा जो है मैं रिकमेंड करूँगा, तो आप VS कोड अपने अपने पास इंस्टॉल कर लें। तो VS कोड एक बेहतरीन कोड एडिटर है, आप सबके पास VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए, vscode.visualstudio.com इस वेबसाइट से, और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। देन जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे तो आप प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाने के बाद इधर एक और सीएमडी खोल लें और इधर जस्ट लिखें कोड स्पेस डॉट, तो वो इस प्रोजेक्ट को वीएस कोड में खोल लेगा। तो ये सारी फाइल्स आएंगी आपके पास, ये देखिए ये सारी वो फाइल्स हैं जो आपकी क्रिएट रिएक्ट ऐप में यूज हो रही हैं। तो इसमें जो सबसे मेन फाइल होती है वो होती है app.js और app.css। भाई ये क्यों मेन होती है, तो ये हम इसमें और डिटेल में बात करेंगे। अगर आप ये जो आपके पास app.js है, इधर आपको एक फंक्शन नज़र आ रहा होगा, कुछ इंपोर्ट भी हुआ हुआ है और कुछ चीज़ें हैं, अगर मैं ये हेडर पूरा रिमूव कर दूं इधर से तो आप देखेंगे कि ये मेरी वेबसाइट में भी गायब हो जाएगा, ठीक है। रिएक्ट की सबसे अच्छी बात ये होती है आप लाइव कोडिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक H1 बना लूं और इधर लिख दूं हेलो वर्ल्ड, तो जैसे ही मैं इसको सेव कराऊंगा हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गया। तो दिस इज द
फाइनल कंक्लूजन ऑफ द क्लास के हमने नोड जीएस इंस्टॉल किया, फिर क्रिएट रिएक्ट ऐप की, फिर हमने वीएस कोड को बोला कि भाई वीएस कोड आपके पास इंस्टॉल्ड होना चाहिए, एंड देन वी मेक द हेलो वर्ल्ड जस्ट चेंजिंग सम ऑफ द लाइंस ऑफ द कोड. हमने हेडर की जो भी इमेजेस वगैरह आ रही थी वो सब रिमूव करके हमने हेलो वर्ल्ड लिया. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए. हेलो गाइस, तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको जो है जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, हमने लास्ट टाइम सिर्फ अगर देखा जाए तो हमने सिर्फ ये हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे ले आए थे रिएक्ट एप्लीकेशन में, जो कि हमने npx create react app hello world के नाम से बनाई थी. आज मैं आपको कुछ इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगा और थ्रू आउट द कोर्स जो आपको शॉर्ट कीज पता होनी चाहिए और कौन कौन से हमें एक्सटेंशन vs कोड में पता होने चाहिए हम उस पर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली चीज़ जो ये है आपके पास उसकी VS कोड की कुछ स्निपेट होती है. सबसे पहली स्निपेट है कंट्रोल एंड. कंट्रोल एंड इज़ यूज टू क्रिएट अ फाइल. आप कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं विद अ शॉर्ट की ऑफ कंट्रोल एंड, एंड देन आप उसका एक्सटेंशन डिसाइड कर सकते हैं. दूसरी है मशहूर मारूफ कमांड बी. कमांड बी कंट्रोल बी. कंट्रोल बी से ये होता है कि देखें ये आपके साइट की स्पेस फ़ौरन से बंद हो जाएगी, आपको यहाँ पे जाके बंद करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कीबोर्ड यूज़र हैं. इससे फ़ायदा ये होता है जब हम ड्यूअल स्क्रीन की बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है फ़ौरन देख रहे हैं आप, ठीक है. फिर हमारे पास एक आपके पास एक तो ये हो गई, ठीक है. आपके पास एक और भी होती है कमांडो. कमांडो से आप फाइल ओपन कर सकते हैं रिएक्ट जी एस में, ठीक है. तो आपने कमांड डू जैसे ही आप दबाएंगे, जैसे ही आप ओपन करेंगे, आप यहाँ पे फोल्डर की डायरेक्टरी में आप मौजूद होंगे और डायरेक्टली आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं. तो कमांड हो, कमांड बी, कमांड एंड, ये बहुत ज़रूरी होती है. रिएक्ट जेएस के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 फोल्डर्स होते हैं. जो सबसे पहला फोल्डर होता है हमारे पास वो होता है नोड मॉड्यूल्स का, जिसमें हम पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल कराएंगे. फिर पब्लिक का फोल्डर होता है, फिर एसआरसी का फोल्डर. एसआरसी सोर्स डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर हम सारा काम करेंगे, जो हमारी मेन डायरेक्टरी होगी. उसमें app.css, app.js और हमें जो भी पूरी वेबसाइट बनानी होगी, जो भी हम पूरी एप्लीकेशन में जितना भी काम करेंगे, इमेजेस, वीडियो, नेवबार, कलर, CSS डिजाइनिंग, Bootstrap, जो भी हम करेंगे वो हम सब इधर ही कॉल कराएंगे इस SRC फोल्डर के अंदर. SRC में सबसे मेन फाइल जो होती है वो होती है app.js, जिसमें आपकी सारी एप्लीकेशन वर्क कर रही होती है. जैसे कि हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था तो वो यहाँ पे हो गया था. नॉर्मली index.js आपकी वो फाइल होती है जिसमें आप नॉर्मली HTML में काम करते हैं, लेकिन हमारे पास जो React की ऐप होती है उसमें app.js मेन फाइल होती है. index.js में हम बहुत कम काम करेंगे या इसको बहुत कम छेड़ेंगे, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन app.js हमारी सबसे ज़्यादा मेन फाइल होगी. तो ये हमारा समझ लें एक मेन स्ट्रक्चर में आती है आपकी app.js, सही है. तो app.js की app.css भी बनी हुई है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम जैसे जैसे कोई भी कंपोनेंट बनाएंगे, जैसे हम HTML में बनाते हैं, HTML में अगर हम नेवबार बनाते हैं तो नेवबार की CSS एक अलग से फाइल में टाइप कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे उसके कंपोनेंट, उसकी क्लासेस, उसके स्टाइलिंग कंपोनेंट को कॉल कराने के लिए. तो इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है. app.js के लिए app.css, index.js के लिए index.css, सेम फोल्डर में ये आपको बिल्ट इन बनी हुई मिल जाती है. इसको आप डिफरेंट फोल्डर्स में भी कर सकते हैं, तो हम फोल्डर हैंडलिंग भी देखेंगे. अब बात करते हैं, हम कमांड बी कर देते हैं इसको ताकि ये हमारे स्पेस मिल जाए. इधर इम्पोर्ट कराने का तरीका ये होता है कि जब भी आप कोई भी नेवबार बना रहे हो या कुछ भी आपको बैकग्राउंड कलर तक भी ऐड कराने के लिए कोई फाइल बनानी होगी तो आपको इम्पोर्ट रिएक्ट लाजमी कराना है और उसकी CSS भी इम्पोर्ट करानी है. इसमें CSS और रिएक्ट इम्पोर्ट कराने, रिएक्ट तो सिंपल इम्पोर्ट हो जाती है रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, लेकिन जब आप कोई CSS फाइल या कोई फोल्डर या कोई और JavaScript फाइल ऐड कराएंगे तो वो आपकी इस डायरेक्टरी में मौजूद होनी चाहिए, सही है. जैसे कि यहाँ पे logo.svg इम्पोर्ट हुआ है, तो logo.svg इधर मौजूद है. अगर ये किसी फोल्डर के अंदर होता तो पहले हम इस फोल्डर का नाम कॉल कराते. लेट सपोज कि मैं इधर एक फोल्डर बना लूँ, न्यू फोल्डर, और इसका नाम रख दूँ logo, ठीक है.
एंड इस लोगो में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूं मैं लोगो डॉट एस वी जी। अब होगा क्या कि ये लोगो डॉट एस वी जी, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे फोल्डर को बताना पड़ेगा, वरना देखिए वहां पे एरर आ चुका है कि एस आर सी में लोगो डॉट एस वी जी नहीं है मौजूद, क्योंकि लोगो डॉट एस वी जी तो लोगो के फोल्डर में। तो जस्ट आप यहाँ पे लोगो लिखेंगे एंड सेव कराएंगे तो ये आपको देखें दोबारा से इसने हेलो वर्ल्ड दे दिया, क्योंकि अब हमने करेक्ट किया है। तो जो भी आप लिखेंगे रिएक्ट जेएस में उसका मतलब होना चाहिए, ये एचटीएमएल सीएसएस की तरह नहीं है कि आपने कोई गलती कोई लोकेशन डाल दी और आपका कोड चल पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एक एक लोकेशन भी इसके लिए मायने देती है, वरना आपको एरर आएगा जैसे अभी आए। उसके बाद कुछ शॉर्ट की के लिए कुछ एक्सटेंशन होते हैं, तो आप एक्सटेंशन पे जाएंगे इधर प्लगइन्स पे, और आपको जो जो प्लगइन्स ऐड करने हैं वो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपको इंस्टॉल कर लेने। इजी जूम, ES6 रिएक्ट और मटेरियल आइकन और प्रीटियर भी कर ले तो एक अच्छा हो जाएगा। ये चार आपके पास एक्सटेंशन डाउनलोड होने चाहिए। इसके फ़ायदे हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसके फ़ायदे कौन कौन से होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो कंटिन्यू करते हैं रिएक्ट जेएस के फाइल स्ट्रक्चर को, और मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो प्लगइन्स वगैरह बताए थे आपको, इन प्लगइन्स का यूज़ किया है। देखिए जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने में, क्योंकि रिएक्ट जेएस टोटल फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट होते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते हैं, तो फंक्शन आपको बहुत रैपिडली बनाना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन के अंदर आपको लाजमी पता है कि एक फंक्शन का नेम होता है और एक उसकी रिटर्न वैल्यू होती है, ये रिटर्न, ठीक है। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि अगर मुझे ये फंक्शन कहीं पे भी यूज़ करना हो तो मैं ऐप के नाम से इसको यूज़ कर लूँगा। यही वजह है कि index.js में आपको यहाँ पे ऐप नज़र आ रहा है, अगर मैं यहाँ से ऐप हटा दूँ तो ये मुझे कोड में एरर दे देगा अगेन कि भाई यहाँ पे तो ऐप नाम की कोई फाइल ही नहीं है, ठीक है। देखें हटा हट गया, सब हट गया, सारा डिस्प्ले चला गया। तो अब मैं इसको दोबारा ले आऊँगा तो ये मुझे यहाँ पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हुआ हुआ है ऐप डॉट जे एस में, इसलिए हम इसको इंडेक्स डॉट जे एस में यूज़ कर पा रहे हैं। तो भाई रिएक्ट का पैटर्न तो यही है कि आपको एक फंक्शन बनाना होगा, उसको रिटर्न कराना होगा, एंड देन आप उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे तो आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप 10 जे एस फाइल बनाए उसको 10 जगह यूज़ कर लें, जस्ट लाइक इंडेक्स डॉट जे एस में ये यूज़ हुआ हुआ है। इसके बाद अगर मैं आपको बात करूं कि भाई ऐप डॉट जे एस में चलें, ये आ गया फंक्शन। तो मैं आपको बता रहा था कि फंक्शन बनाने में बड़े मसले होते हैं ना। अब लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे एक बना ली, एक और यहाँ पे फाइल बना ली कार डॉट जे एस, ठीक है। अब कार्ड डॉट जी एस मेरे पास बिल्कुल एम्प्टी होगा। कार्ड्स आपको पता होंगे कि बूटस्ट्रैप में जो कार्ड्स होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं कि उसमें एक इमेज होती है, सही है, और नीचे कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा हुआ होता है, टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसी चीज़ के बारे में। तो कुकिंग वेबसाइट वगैरह ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, या व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स, जिसमें वो व्लॉगर्स होते हैं तो वीडियो डाल देते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन, और ब्लॉगर्स होते हैं तो एक इमेज होती है इधर टॉप पे और यहाँ पे टेक्स्ट हुआ हुआ होता है, सही है। तो इधर आपके टेक्स्ट आ जाता है, इधर भी टेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे एक वीडियो आ जाती है। तो कार्ड्स वो होते हैं। अब लेट सपोज आप कोई कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, और आपको कंपोनेंट बनाना है। अगर आपने ये मेरा दिया हुआ एक्सटेंशन, मतलब जो मैंने आपको बताई है ES6, ये इंस्टॉल किया हुआ होगा, तो आपको जस्ट लिखना है RFC। आप जैसे ही लिखेंगे, ये देखें फिर से मैं बता रहा हूँ, RFCE, ठीक है, और आप टैब दबाएंगे तो ये फंक्शन आपके पास ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, आपका बहुत टाइम बचेगा इससे। रिएक्ट जी एस में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप जिस नाम से फाइल बनाते हैं उसी नाम से वो फंक्शन भी बना देता है, उसी नाम से उसको एक्सपोर्ट भी करा देता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका टाइम बचता है कि आपने ना कार्ड कार्ड दोबारा लिखना है, कि जिस नाम से आप बना रहे हैं navbar.js बना रहे हैं तो navbar यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा और navbar का फंक्शन आ जाएगा, card.js बना रहे हैं तो कार्ड यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा और कार्ड का फंक्शन नाम बन जाएगा। अब आप यहाँ पे जो काम करवाना चाहें आप करवा सकते हैं, और देन आपको अगेन, अगर अब मैं आपको बताऊं क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पे मैं कुछ काम करवाऊं, ठीक है, और उसको मैं इंपोर्ट करवा लूं इधर इसमें,
ठीक है, मैं इसको इधर इम्पोर्ट करवा लूँ, मैं काम यहाँ पे करूँ, तो हम ये चीज़ भी देखेंगे कि चले भाई कार्ड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट तो हो गया, इसमें जो काम करेंगे वो इधर इम्पोर्ट कैसे होगा, तो ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दिस इज आवर फंक्शनल बेस कंपोनेंट, जिसमें एक फंक्शन होता है, उसका नाम होता है, और उसी नाम से उसको एक्सपोर्ट करा देते हैं ताकि हम इसको हर जगह यूज कर सके। आगे हम इसको एक्सटेंड करके देखेंगे कि फंक्शनल बेस कंपोनेंट किस तरह काम करता है। चले अब फंक्शन को थोड़ा सा डीप में डिस्कस करते हैं कि फंक्शन को हम और मतलब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड तक तो हम आ गए थे, लेकिन अगर हमें इसको थोड़ा सा डीप में डिस्कस करना हो तो हम क्या करें। मतलब हमने एक कार्ड डॉट जी एस बना लिया, मैंने आपको बताया कि फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनते हैं, आर एफ सी ई सिंपल टैप, और उससे आपका ये बन जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी इसको सीखने के लिए। उन्हें यहाँ पे आ गया है, सवाल ये है कि मैंने ये बना लिया कार्ड डॉट जी एस, अब मुझे इसको कॉल करवाना है ताकि ये मुझे स्क्रीन पे नजर आ जाए। तो इसके दो तरीके हैं, ठीक है, या तो मैं इसको एप डॉट जी एस में कॉल करवा लूँ, या तो मैं इसको इंडेक्स डॉट जी एस में कॉल करवा लूँ। लेट सपोज मैं इसको एप डॉट जी एस में कॉल करवाता हूँ, तो इम्पोर्ट सही है, फिर जो आपने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कराया है ना वो नाम आपको यहाँ पे देना है, सही है। फिर से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जो कराया है, तो मैंने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कार्ड कराया है, तो मैं इम्पोर्ट कार्ड करूँगा, ठीक है, रॉम। फिर आपको ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, और इधर आप लोकेशन दे देंगे सिंपल डॉट स्लैश डाल के, और कार्ड कर देंगे, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये हाईलाइटेड नहीं है, जिस तरह एप डॉट सी एस एस हाईलाइटेड है ना, ये हाईलाइटेड नहीं है आपके पास। वजह इसकी ये है, जब तक आपका ये जो इम्पोर्ट हुआ हुआ कंपोनेंट है, ये आप जब तक इसको यूज नहीं करेंगे ये हाईलाइट नहीं होगा। अब मैं इसके बिल्कुल नीचे इसको कॉल कराऊंगा, तो कॉल भी जब मैंने कार्ट को इम्पोर्ट करवाया है और मैं चाहता हूँ कार्ट के अंदर की सारी चीज जो मेन फंक्शन है वो पूरा कॉल होके उन्हें सली स्क्रीन पे आ जाए, तो मुझे कैपिटल में ही, जैसे कैपिटल इसका नाम है उसी नाम से इसको कॉल कराना पड़ेगा। तो कार्ड देन दिस, जैसे ही मैं इसको सेव कराऊंगा, हेयर वी आर उनैस अली, और मैं अब कार्ड में जो भी चेंजेस करूंगा, लेट सपोज नीचे एक H2 बना लेता हूँ और इधर अली लिख देता हूँ और इसको सेव कराता हूँ, तो नीचे अली आ गया, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, और आप जैसे इसको सेव कराएंगे और हियर वी आर। तो देखें ये करता है काम। रिएक्ट इसलिए इतनी आसान समझी जाती है और बेस्ट समझी जाती है कि फेसबुक इंस्टाग्राम इसको जो यूज कर रहा है उसकी वजह ही यही है कि फेसबुक और सारी जो नेटफ्लिक्स रिएक्ट जेएस यूज करता है, एयरबीएनबी यूज करता है, यही वजह है कि हर चीज का आप सेपरेट कॉम्पोनेंट बना लो, ठीक है। उस सेपरेट कॉम्पोनेंट बना के आप उसको मुख्तलिफ जगह पे कॉल करा लो। अब देखो मैं आपको इसका फायदा बताता हूँ। लेट सपोज कि आप नहीं चाहते कि कार्ड यहाँ से आए, तो मैं इधर से इसको कट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसका कार्ड भी हटा देता हूँ, ठीक है, तो मेरी स्क्रीन पे वही आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, ये तो यूज ही नहीं हुआ कहीं। और मैं आप इसको इंडेक्स जे एस में जाके यूज कर लेता हूँ, मैं इधर इसको पेस्ट करूंगा और एप डॉट जे एस के बिल्कुल नीचे मैं यहाँ पे लिख दूंगा कार्ड, ठीक है, और मैं जैसे इसको सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा इधर, सो आई विल गॉट द सेम थिंग, उनैस अली, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। क्योंकि यहाँ पे एप डॉट सी एस एस इम्पोर्ट नहीं है तो ये सेंटर में नहीं आ रहा, समझ रहे हैं आप, क्योंकि इधर एप डॉट जी एस में एप डॉट सी एस एस इम्पोर्ट हुई हुई है, और एप डॉट सी एस एस में कहीं ना कहीं सेंटर लगा हुआ होगा, जो कि आप क्रिएट रिएक्ट ऐप करेंगे तो आपके पास सब सेंटर में आ रहा होता है। तो अभी हम इसको सबको हटा देते हैं, हम इसको आराम आराम से डिस्कस करेंगे ताकि जो है अब कंफ्यूजन ना हो। अब ये सही है, तो कोई सी एस एस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और डायरेक्टली देख रहे हैं आप, तो रिएक्ट इसलिए इतनी अच्छी समझी जाती है कि आप उसका एक कंपोनेंट बनाते हैं और उसको हर जगह मल्टीपल प्लेसेस पे आप यूज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास, आपने कार्ड डॉट जी एस बना लिया, आपने ये कर लिया, सवाल ये है कि ये करने में मजा नहीं आ रहा, पता है क्यों? देखिए कंपोनेंट जब भी बनाते हैं तो कंपोनेंट बनता है ह्यूमन की आसानी के लिए। मैं इसको दोबारा से वहीं कर देता हूँ कार्ड डॉट अपना एप डॉट जी एस में, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स डॉट जी एस को हम ज़्यादा भारी नहीं करते, कोशिश करते हैं कि इसमें सिर्फ काम की चीज़ रखें हम, एप डॉट जी एस, एप डॉट सी एस एस और
कंपोनेंट को हम भारी कर सकते हैं। वो सॉरी मैंने इसको यहाँ पे क्यों कर, इसको हम काट कर देते हैं, इधर सेव कर देते हैं, index.js में जाते हैं और यहाँ से काट को हटा देते हैं। आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी कहीं पे नहीं छोड़ सकते, आपको सब देख के चलना पड़े, तभी थोड़ी सी सिक्योर होती है रिएक्ट वेबसाइट। हम आ गए वापसी इधर, ठीक है। उनैस अली 21 ईयर्स और ये सब। सवाल ये है कि इसका करने का कोई मतलब नहीं बनता, मतलब ये नहीं बनता, देखें मेरी बात गौर से सुनिएगा, जो काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इसको कॉपी करके मैं app.js में ही कर लूँ, ठीक है। तो इसके नए कंपोनेंट बनाने की वजह क्या हुई भाई? अब मैं जो आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इसके डुप्लीकेट्स बन जाएंगे, सही है, डुप्लीकेट आ गए यहाँ पे, तो ये तो यहाँ से भी हो रहा है, तो इसका तो कोई ऐसा कोई वो फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो मैं अब आपको जो चीज़ समझाने वाला हूँ, जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको कराऊंगा, वो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो 99% रिएक्ट डेवलपर अपनी वेबसाइट्स में यूज़ करते। तो हम बनाएंगे यहाँ पे एक और फाइल, ठीक है, और फाइल बनाते हुए हम बनाएंगे यहाँ पे फाइल। अच्छा ये फाइल मेरी बाहर बन रही है, तो आपको ये फोल्डर सेलेक्ट करके इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे src, ताकि ये इस सोर्स फोल्डर में ही आपकी फाइल बने। और यहाँ पे इसका नाम रखते हैं, नाम जब भी आप रखेंगे आपको नाम को कैपिटल में रखेंगे, फर्स्ट लेटर हमेशा याद रखिएगा, ये मतलब एक अच्छा तरीका होता है प्रोग्रामर का, ठीक है। तो मैं आपको जो अब जो मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ वो थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, क्योंकि वो बहुत काम का है। सबसे पहले RFCE कर लेते हैं, ताकि हमारा एक रिएक्ट कंपोनेंट बना बनाया हमें मिल जाए। और अच्छा सिर्फ मैंने वेलकम बनाया है, अच्छा ये मेरी एक गलती हो गई कि मुझे इसको रीनेम करके इसको करना पड़ेगा welcome.js। लेट सपोज कि आप एक वेलकम बना रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ पीपल आ रहे हैं, आप उनको हेलो बोल रहे हैं, एक कंपोनेंट बना रहे हैं आप उसका, तो आप इसको बना लेते हैं RFCE, ठीक है, टैप किया। तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जिसमें यू हैव टू राइट कोड एट वंस एंड यू विल यूज इट इन मल्टीपल प्लेसेस एंड मल्टीपल टाइम्स। सो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमने एक वेलकम नोड बना लिया, ठीक है, इसमें आपको पता है कि आप इसमें कुछ भी इतना मतलब अभी तक मैंने कुछ नहीं कराया। जो मैं आपको चीज़ कराने वाला हूँ वो है प्रॉप्स। प्रॉप्स एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत कम टाइम में, मतलब बहुत कम टाइम में आप मल्टीपल चीज़ों को, जी प्रॉप्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत कम टाइम में आप मल्टीपल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और आपको अगर सेम डेटा को रिपीट करना है तो आप प्रॉप्स के ज़रिए उसको रिपीट कर सकते हैं। और एक ये डायनामिक काम भी करता है आपके लिए, तो इसको लेट्स सी, इसको बातें करने से मज़ा नहीं आएगा, इसको देखते हैं कि ये आखिर करता क्या है। तो लेट सपोज मैं इधर एक डिफ एच, एक h1 बना लेता हूँ, ठीक है, और h1 में हम डाल देते हैं हेलो, मेरी बात गौर से सुनिएगा, हेलो कॉमा। और डायनामिक जब भी आप html के लिए, आप html के अंदर आपको रिएक्ट वो जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी, तो आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लेट सपोज हम प्रॉप्स को नाम दे देते हैं। आप देखें, आप जो यहाँ पे आप ऊपर प्रॉप्स लिखेंगे तो आपको नीचे भी बिल्कुल उसी नाम से कॉल कराना पड़ेगा अंदर, ठीक है, क्योंकि फंक्शन है ना। तो आपने अगर ऊपर प्रॉप्स लिखा है तो आप यहाँ पे नीचे भी प्रॉप्स लिखेंगे। अब आपने यहाँ पे लिख दिया प्रॉप्स, और मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी कोई हेलो हो तो मैं अपने किसी पर्सन को वेलकम करूँ, यानी कि नेम से, हेलो उनैस, हेलो अली, हेलो बिलाल। तो मैं यहाँ पे इस props.name कर देता हूँ। अब आप पूछेंगे भाई ये props तो चले हमें समझ आ गया है, लेकिन इधर कहीं नेम नहीं नज़र आ रहा। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि नेम कहाँ पे नज़र आएगा आपको। अब आप आ जाएं app.js में, ठीक है, app.js में सबसे पहले हम अपने कंपोनेंट को कॉल करा लेते हैं import, ठीक है। import हमने किस नाम से बनाया है, वेलकम, ठीक है, वेलकम फ्रॉम, और आपको यहाँ पे जो है वेलकम को बुला लेना है, सही है। तो वेलकम से वेलकम आ गए, ये फायदा होता है सेम फाइल नेम रखने का और सेम से कॉल कराने का, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब आपने आपको पता है जिस तरह आपने कार्ट को कॉल कराया था उसी तरह हम वेलकम को कॉल करा लेंगे उसके सेम नेम से, ठीक है। तो हम कार्ट के नीचे जाते हैं और इधर लिखते हैं वेलकम, ठीक है, और इसको इस तरह करवा लेते हैं। जब भी मैं वेलकम को कॉल कराऊंगा तो देखें वेलकम सिर्फ हेलो आया है, ठीक है, वेलकम में क्या आया है, सिर्फ हेलो, क्योंकि इसके अंदर हेडिंग में तो सिर्फ हेलो था,
इसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्रॉप डॉट नेम्स। अब देखें मैं क्या करता हूँ, जो नेम मैंने वहां पे बनाया है उसको मैंने अभी तक कॉल नहीं किया था, लेकिन मैं यहाँ पे नेम इक्वल्स टू और यहाँ पे मैं डाल दूं बिलाल, सो इट विल गिव यू बिलाल। ठीक है, मैं इसी को कॉपी करूं और नीचे पेस्ट कर दूं, और वेलकम कर रहा हूं ना मैं सबको, तो वेलकम में अब मैं नेम चेंज कर दूं अली, सो इट विल गिव यू अली। और आपने प्रॉप्स में सिर्फ एक बार सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखा है और डायनेमिकली आप उसको चेंज कर रहे हैं इनसाइड एप डॉट जेएस। तो प्रॉप्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट आज ही समझ आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो सिंपल कुछ भी नहीं है, आप अपने डेटा को देखें, आपने यहाँ पे शॉर्ट डेटा लिखा और उसमें प्रॉप्स डॉट नेम कर दिया, तो प्रॉप्स से क्या होगा कि आपने यहाँ पे मल्टीपल जगह पे यूज करना है डायनेमिकली, तो जो जो चीज डायनेमिक होगी ये सिर्फ उसको चेंज करेगा, बाकी सारी एज इट इज रहेंगी, जैसे कि हेलो आपका नहीं चेंज हो रहा, समझ रहे मेरी बात। तो प्रॉप्स बहुत जबरदस्त होता है। अब आपने इसको कॉपी किया, ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने नीचे पेस्ट कर दिया, और लेट सपोज आपने यहाँ पे बना दिया प्रॉप्स डॉट एज, ठीक है। अब आप यहाँ पे आए, आपने बोला कि नहीं भाई वेलकम में एज भी आनी चाहिए बिलाल साहब की, ठीक है, और आपने इधर पेस्ट कर दिया, और अब आपने यहाँ पे एज लिखा और एज में आपने डाल दिया 15। अच्छा 15 भी आपको इसमें देना पड़ेगा, ठीक है, आप डायरेक्टली नहीं देते। अब आपने यहाँ पे 15 डाल दिया, तो देखें यहाँ पे हेलो 15 आ गया नीचे ना, मैं आपको अगर ऊपर करूँ तो यहाँ पे हेलो 15 आ गया। अच्छा अब बिलाल भी आ रहा है, एक मिनट रिफ्रेश कर देते हैं क्योंकि डुप्लीकेट्स थोड़ा सा मसला हो जाता है। अब यहाँ पे बिलाल भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, तो अब आपने इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो आप एज कर दें, सेव रिफ्रेश। तो देखें अब क्या होगा कि हेलो बिलाल एज एज एज, क्योंकि देखें एज आपका कॉल होता रहेगा, है ना, क्योंकि देखें अगर आप वेलकम कॉल कराएंगे तो उसके साथ बिलाल भी कॉल होगा, एज भी कॉल होगा, फिर हेलो कॉल होगा, फिर बिलाल भी कॉल होगा। तो हम इधर अभी फिलहाल इसको हटा देते हैं एज को, लेकिन आप देखें आप मल्टीपल बना सकते हैं, मैं इसकी हैंडलिंग भी आपको आगे सिखाऊंगा। तो हम अगर इसको दोबारा से ऐसे ही कर दें और इसको हम यहाँ से हटा दें, तो आपके सामने है कि आपको देखे ना, आप एक बार आपको बिलाल मिल गया, अली मिल गया, और आप वेलकम नोट्स अपने कंटिन्यू कर सकते हैं। तो प्रॉप्स आपका यही करता है कि आप डेटा हैंडलिंग कर सकते हैं और इधर मल्टीपल प्रॉप्स बना सकते हैं, एज नेम फुल नेम, उसकी हैंडलिंग मैं आपको सिखाऊंगा कोर्स चलते हुए, ठीक है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, ये हमारा प्रॉप्स का टॉपिक था। Hello, this is Unais and we are coming back to our topic React.js. And I have already created a app. मैंने पहले से ही app को बना चुका हूँ, npx create app. और इस बार जो मैंने इसको नाम दिया है वो मैं name दिखा देता हूँ, आप लोग कोशिश करिएगा कि जब मैं app बनवाऊँ तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दें, अपनी पहले app को complete होने दें। तो मैंने बनाई है npx create app style css. नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि आज हम कुछ स्टाइलिंग करने वाले हैं और स्टाइलिंग को देखने वाले हैं। तो मैंने पहले से ही ऐप बना के रख ली, npx create app style css, और मैं इसको स्टार्ट भी कर चुका हूँ। तो npm start से स्टार्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे लोकल होस्ट में वो जो हमने फर्स्ट डे जो ऐप बनाई थी हमने, बिल्कुल वही आपके सामने इधर नीचे नजर आ रही होगी आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं इधर, देखें ये जो आपकी ऐप डॉट css है ना, सबसे पहले हम app.js में जाते हैं और हम लास्ट टाइम की तरह ये सारा कंटेंट हटा देते हैं, पूरा हेडर, ठीक है, हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमें क्लास नेम ऐप रखी हुई, चले रखे रहने दें, हम app.css में आते हैं, इधर से सारा कंटेंट भी हटा देते हैं, सही है, लोगो भी यहाँ से ऊपर से लाइन हटा देते हैं, ये क्लीन हो गया आपके पास कोड ना। देखें स्टाइलिंग जो होती है रिएक्ट में दो तरह से होती है, जैसे आपके पास नॉर्मल सीएसएस में स्टाइलिंग होती है वैसे रिएक्ट में भी दो तरह से स्टाइलिंग होती है, ठीक है। पहला जो होता है आपका, सॉरी, जो पहला जो आपका मेथड होता है स्टाइलिंग का वो ये होता है कि अगर आप यहाँ पे
ये क्लास हटा दें और लेट सपोज मैं यहाँ पे एच वन की एक हेडिंग डाल दूं और यहाँ पे लिख दूं अपना नाम उनेस, ठीक है। तो ये मैंने अपना नाम उनेस लिख दिया और एच वन की हेडिंग आ गई। तो यहाँ पे जो पहली स्टाइलिंग की टाइप है वो है इनलाइन स्टाइलिंग, जिसमें आप स्टाइल लिखते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू, फिर आपको डबल कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं और उसके अंदर आप जो भी करना चाहें, लेट सपोज के बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है, क्या रखना है क्या नहीं रखना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये इसको रेड येलो कर दे, अच्छा सॉरी, तो ये इसको इसने बैकग्राउंड कलर इसने येलो कर दिया। अब आप चाहते हैं कि इसमें एक और चीज ऐड हो जाए, बैकग्राउंड कलर येलो हो गया, टेक्स्ट कलर आपको चेंज करना है, तो आप सिंपली कलर कॉलन, इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों को यहाँ पे नजर आए, ठीक है। तो कलर कॉलन और कॉलन के अंदर आपने जैसे एक कलर देना है, लेट सपोज आप दे रहे हैं सियान एंड द कलर विल बी सियान, तो आप कुछ भी दे सकते हैं कलर्स वगैरह और यहीं से आप, ये कहलाती है इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे करेंगे हर लाइन पे आप लगा सकते हैं ये स्टाइलिंग। दूसरा हमारे पास एक और मेथड क्या है कि हम एक ऐप CSS बना लें, कोई भी नाम की CSS बना लें और उस CSS में जाके डिजाइन कर लें, सही है। लेट सपोज आपको बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर अगर आप H1 में लगाना चाहते हैं तो H1 देन बॉर्डर, बॉर्डर 2 pixel सॉलिड एंड ब्लैक, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि यहां पे कॉल नहीं कराया इसने, ठीक है, एक सेकेंड, H1 ही लगाया है हमने वहां पे एंड app.css भी कॉल हुई हुई है इधर, ये भी कॉल हुआ है, ठीक तो है। एक सेकेंड अभी देख लेते हैं कोई मसला अगर आ रहा है, रिफ्रेश, या बॉर्डर आ गया। थोड़ा सा कभी रिफ्रेश में मसला आ जाता है, यहाँ पे देखिए मैंने H1 पे इधर बॉर्डर लगाया, app.css में बॉर्डर लगाया और app.js में आ गया। अब जनाब अगर आपको बॉर्डर की थिकनेस वगैरह जो भी करनी है आप ये कर लें, ठीक है, ये बॉर्डर की थिकनेस बढ़ा दी उसने। अब ये जो आपको उनेस पे बॉर्डर नजर आ रहा है नीचे साइड में, आप क्लास भी बना सकते हैं इसमें। लेट सपोज आपने क्लास बनाई और क्लास का नाम लिख दिया आपने क्या रखें, हम रख देते हैं क्लास का नाम बीजी रख देते हैं बैकग्राउंड, और इसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। अब मैं अगर ये स्टाइल यहाँ से हटा दूं, क्योंकि इनलाइन स्टाइलिंग तो नहीं कर रहा ना मैं अब क्लास कॉल कराऊंगा, तो नॉर्मल CSS में आप क्लास कॉल कराते हैं, इधर क्लास नेम कॉल होता है, ये आप याद रखिएगा कि नॉर्मल CSS में हम क्लास कॉल कराते हैं और इसमें क्लास नेम कॉल होता है, ठीक है भाई। तो हम रिफ्रेश कर लेते हैं इधर दोबारा, तो ये देखें उसने हमें इंस्टेंटली उसको चेंज कर दिया, क्योंकि बीजी को हमने यहाँ पे एज अ क्लास नेम जैसे ही कॉल कराया। देखिए नॉर्मल CSS तो उसमें बस इतना फर्क है, इसमें क्लास यूज होता है, उसमें क्लास नेम यूज होता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लास नेम लगा के इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज किया, इसने उसको फौरन से पिकअप करके चेंज कर दिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस CSS डिजाइनिंग को और अच्छे से एक्सटेंड करके समझेंगे कि हम और क्या क्या कर सकते हैं इसमें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू React JS सीरीज, एंड लास्ट क्लास में हमने सिंपली ये किया था कि हमने CSS यूज करके कुछ बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज किए थे और बॉर्डर लगाया था, और मैंने बस आपको बहुत मामूली सा
मैं बस ये चाह रहा था कि मैं आपको जितना इंगेज रखूं आपके पुराने कॉन्सेप्ट से जो कि आपने HTML CSS में किया है, तो उतना बेहतर होगा। तो मैंने बिल्कुल वैसे ही आपको इनलाइन स्टाइलिंग सिखाई लास्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद मैंने इधर आपको क्लास नेम सिखाया कि भाई जैसे आप HTML CSS में बचपन से क्लास यूज करते आए, बस React JS में उसको क्लास नेम से किया जाता है। आप हमेशा CSS को लिंक कराते आए हैं लिंक से, लिंक स्टाइल शीट, और उससे आप कराते आए हैं, लेकिन React JS में आपको जो लिंक कराना होता है वो इस तरह कराना होता है, इंपोर्ट करा के। तो मैंने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपका लेके चल रहा हूँ ताकि जब हम टिपिकल पार्ट पे जाएं आपको कोई मसला ना हो। अब मैं आपको कुछ एडवांस CSS का बताऊंगा। देखिए, एडवांस CSS के लिए जनाब आपको जो है थोड़ा सा मेरे साथ देना पड़ेगा। आपको ये एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी जो मशहूर जमाना है, जैसे आपका बूटस्ट्रैप आप यूज करते हैं नॉर्मल HTML CSS में, रिएक्ट में ये मटेरियल UI है जो कि बेहतरीन लाइब्रेरी है, ठीक है। अच्छा, इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे आप देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक और फाइल बनवाई थी स्टाइल डैश CSS, जिसमें हम CSS वाला काम कर लेंगे। जैसे लास्ट टाइम हेलो वर्ल्ड में हमने प्रॉप्स किया था, लास्ट से लास्ट क्लास में हमने, अब पिछली क्लास में हमने स्टाइल CSS बनाया, और स्टाइल CSS पे हम सारा काम करेंगे। यहाँ पे CMD खोल लेते हैं, और इधर आपको ये मटेरियल UI इंस्टॉल करानी है। इंस्टॉल करना इंतहाई आसान है, आपको जस्ट ये NPM वाली लाइन कॉपी करनी है, ठीक है। एंड ये सिर्फ ये वाली है, ओ सॉरी, देखिए सिर्फ ये लाइन NPM npm @material_ui_core, ये आपने इंस्टॉल एंटर करेंगे। अच्छा खासा टाइम लेती है, लेकिन ये हो जाती है @end इंस्टॉल ना। अच्छा, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको क्लास से पहले ही इंस्टॉल करके बैठा था, ताकि हमारा क्लास में कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख लें। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको सेकंड क्या इंस्टॉल करना है, देखिए ये इंस्टॉलेशन बहुत जरूरी है, आपको फिर ये इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल्ड मटेरियल यू आई आइकन, सेम मेथड सेम CMD या डिफरेंट खोल लें, कोई मसला नहीं है, बात एक ही। और आपको यहाँ पे इसको करके आपको इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जो मेन चीज है जो मैंने नहीं की वो मैं समझा देता हूँ। ये जो लिंक है ना, लिंक रोबोटो फॉन्ट और फॉन्ट आइकन्स, ये मैं आपको इंस्टॉलेशन में आपको लिंक भी दे दूंगा ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये जो रोबोटो फॉन्ट है ना, इसको आपको कॉपी करना है, और रिएक्ट के अंदर सिर्फ एक इंडेक्स फाइल होती है जिसमें ये सारी HTML टैग्स जाते हैं, क्योंकि बाकी सब तो जावास्क्रिप्ट फाइल है .js। इंडेक्स फाइल सिर्फ एक होती है जो कि मिलेगी आपको पब्लिक के फोल्डर में, और वो होती है index.html, और इधर आप हेड में कहीं पे भी ये पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां कर दिया, फिर मैं वापसी जाऊंगा मटेरियल UI की वेबसाइट में, और फॉन्ट के लिए भी ये लिंक कॉपी कर लूंगा, और इसको मैं लाके इधर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। आपने इसको इधर भी पेस्ट कर दिया। app.js मेरा ऑलरेडी वही पुराना वाला है जिसमें मैंने उनेस और बैकग्राउंड लास्ट वीडियो में चेंज किया था। अब आते हैं मटेरियल UI पे। मटेरियल UI में आपको यहाँ पे लेफ्ट, जो इसका साइड बार है लेफ्ट पे, उधर आपको मिलता है कंपोनेंट्स, और इस कंपोनेंट में ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिससे आप एक बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव और बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हैं। एक तो सारे कंपोनेंट रिस्पॉन्सिव है, ऊपर से वेबसाइट भी बेहतरीन बन जाती है। तो इसको यूज कैसे करेंगे भाई सर? तो सर जी, इसको यूज करना इंतहाई आसान है। सबसे पहले मैं आपको बहुत कॉमन चीज यूज करवा देता हूँ जो कि ट्रेंडिंग पर है आजकल, जो है कार्ड्स। तो मैंने कार्ड यहाँ पे सर्च करना है, और कार्ड में मिल जाएगा मुझे, तो ये देखें ये कार्ड आ गया। अब लेट सपोज आपको ये वाला कार्ड पसंद आ गया, तो मैं आपको यूज करना सिखा रहा हूँ कि कितना कॉमन यूज है इसका। आप इधर आएंगे इसके सोर्स में, नीचे आपको हर कंपोनेंट का सोर्स मिल जाएगा, और घर पे बैठ के आप सारे कंपोनेंट्स देख लीजिएगा कौन कौन से अवेलेबल है। ये सोर्स मुझे मिल गया, इसको मैं कॉपी कर लूंगा इधर से, कॉपी करके आ जाऊंगा JS में, और एक नया कंपोनेंट बना लूंगा इसके लिए, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कंपोनेंट ज्यादा से ज्यादा बनाए ताकि इजी रहे। एक आपको कंपोनेंट बेस लाइब्रेरी है रिएक्ट, और आप उसमें कंपोनेंट ही नहीं बनाते, सब app.js में कर दे, तो एक गलत बात है। हर एक चीज का कंपोनेंट बनाए, तो मैं कार्ड कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है, card.js, और इधर मैं कर देता हूँ सब पेस्ट जो मैंने वहां से कॉपी किया। अच्छा सर, हर बार तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होता है एंड में, ये भी मैं आपको बात समझा दूं। आपके पास एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करने के दो मेथड होते हैं, एक तो हम पुराना वाला जो हमने प्रॉस में किया, फंक्शन बनाया एंड में एक्सपोर्ट कर दिया, और हम इस ऐप को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इम्पोर्ट कर सकते हैं।
एक मेथड आपके पास ये होता है कि आप शुरू में फंक्शन के साथ ही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिख दें, तो आपको एंड में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी इसके नाम को एक्सपोर्ट कर देगा और आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसका कार्ड का नाम बहुत बड़ा है, इसको सिर्फ हम कार्ड कर देते हैं ताकि हम वही अपना कॉन्सेप्ट रखें ना, फाइल का नाम भी सेम, एक्सपोर्ट का नाम भी सेम, तो इम्पोर्ट कार्ड फ्रॉम कार्ड, याद होगा आपको, इम्पोर्ट वेलकम फ्रॉम वेलकम, तो हम वही कॉन्सेप्ट रखते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे पूरी सीरीज में। अब यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट कार्ड फ्रॉम सॉरी कार्ड, ठीक है, और यहां पे आप इसको कॉल करा लें कार्ड, ठीक है। अब चेक करते हैं जाके कि हमारी वेबसाइट पे कुछ फर्क पड़ा कि नहीं, तो हमारी जो वेबसाइट है ऑलरेडी npm स्टार्ट में कर चुका था। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कार्ड जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हुआ हुआ है वहां पे, ठीक है, ये कह रहे हैं कि कार्ड नाम का वेरिएबल बना हुआ है, आप फंक्शन अपना नाम चेंज करो, सही है, मतलब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का नाम चेंज करो, तो इसका इसका नाम रख देते हैं फूड कार्ड, ठीक है, फूड कार्ड ऑलरेडी डिक्लेयर डिक्लेयर का अगर आपके पास मैसेज आए या कोई एरर आए तो आप फौरन से समझ जाएं कि आपको उसका नाम चेंज करना है, तो आप इसको अब आप कार्ड से नहीं करवाएंगे इंपोर्ट, इसको आप कराएंगे फूड कार्ड से, ठीक है, और नीचे भी आपको फिर इसको फूड कार्ड करना पड़ेगा। अब फूड कार्ड इंपोर्ट हुआ और इधर भी आ गया, अब हम चलते हैं इधर और चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और हेयर वी आर, हमारे पास डेट भी आ रही है, नेम भी आ रहा है, पिक्चर नहीं आ रही, ठीक है, तो पिक्चर के लिए देखते हैं कि क्यों नहीं आ रही है भाई, कार्ड की डॉट js में जाते हैं, देखें एवतार में आपके पास रेसिपी आ गया, सेटिंग्स का लोगो भी आ गया है, ये भी आ गया है श्रिम क्रूजो, डेट भी आ रही है, इमेज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इमेज की जो इधर लोकेशन दी हुई है वो स्टेटिक फाइल में कार्ड्स के अंदर है, और यहाँ पे तो कोई मेरा इस नाम का कोई फोल्डर ही नहीं बना हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई गूगल इमेज जाके ले लेते हैं अभी फॉर टेम्परेरी फूड इमेजेस, ठीक है, और यहाँ पे इमेजेस पे आएंगे, कोई भी अच्छी सी इमेज जो आपको लगे उस पर जस्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज एड्रेस करना है, एंड देन आपको आना है इधर, एंड देन पेस्टेड, सिंपल पेस्ट करके आप अपने ब्राउजर में आ जाएं, और आप ब्राउजर में आपको आने के बाद ये देखें भाई, ये हमारा कार्ड एक खूबसूरत सा तैयार हो गया जिसके अंदर रेसिपी मेथड्स भी हैं। आपने ये एक चीज बहुत वेबसाइट में देखी होगी जहां पे इस किस्म के मेन्यू कार्ड्स होते हैं या फूड ट्यूटोरियल्स होते हैं और इस तरह से देखे मेथड आ रहा होता है, और ये कितनी जल्दी आपने इस कार्ड को बना लिया, आप इस पे देखें, समझ रहे मेरी बात, आप अब कंपोनेंट का फायदा देखें, लेट सपोज आपकी वेबसाइट में फूड वेबसाइट में आपके 5 कार्ड है, आपको जस्ट इसको कॉपी करना है और मल्टीपल टाइम पेस्ट करना है, बस कार्ड देखें आप क्या आ गए यहाँ पे। अब आप बोलेंगे सर ये तो एक ही चीज आ रही है ना, इसको डिफरेंट करने के लिए मैं आपको वीडियो नंबर 3 में मेथड बता चुका हूं ऑलरेडी कि अब हम लगा देंगे इधर प्रॉप्स, सही है, जो जो चीजें हमें चेंज करनी है हम सब पे प्रॉप्स लगा देंगे, जस्ट फॉर टाइटल सब हेडिंग कार्ड का ये इमेज और टाइटल और टेक्स्ट, यहाँ पे हम सबके प्रॉप्स बना लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और प्रॉप्स में हम देखेंगे कि हम एक एक चीज को किस तरह चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे वही चीज करेंगे जैसे हमने वहां पे नेम एज में किया था ना, यहाँ पे हम इसमें करेंगे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वेलकम टू रिएक्ट जीएस सीरीज, हमने लास्ट टाइम प्रॉप्स यूज किए, फिर हमने मटेरियल यूआई का हमने असल में इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, और मटेरियल यूआई से हमने ये कार्ड्स बनाए, तो कार्ड्स का बेसिकली हमने एक कंपोनेंट बनाया, उसको 3 टाइम्स कॉल कराया, तो हमारे पास यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 टाइम्स कॉल कराया था, तो हमारे पास 3 टाइम्स कार्ड्स आ गए। बात ये थी कि ये डिफरेंट 3 कार्ड्स, अगर मुझे ये तीनों कार्ड अगर मुझे डिफरेंट रेसिपी के लिए डिजाइन करने हो तो क्या मैं हर कंपोनेंट अलग बनाऊंगा, मतलब देखिए एक कार्ड के लिए एक कार्ड में मेरे पास ये रेसिपीज आ गई, अब दूसरी रेसिपी मुझे जिंगर है या कोई भी फूड है पिज्जा है तो उसके लिए क्या मैं कंपोनेंट्स बनाऊंगा, तो अगर मैं ऐसे बनाऊंगा कंपोनेंट्स तो मुझे फिर बनाने पड़ेंगे कार्ड 1 कार्ड 2 या रेसिपी 1 रेसिपी 2 रेसिपी 3,
तो ये तो कोई जनरल हल नहीं हुआ। तो इसके लिए हमने एक तरीका निकाला है जनाब, जो के है प्रॉप्स मेथड। हम प्रॉप्स के जरिए ये काम करेंगे और बड़े बेहतरीन करेंगे, और इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले जो जो चीजें आपको चेंज करनी है उस पर आप लगाएंगे प्रॉप्स, ठीक है। अब मैं आ गया कार्ड के रिटर्न वाले एलिमेंट में। डिजाइन वगैरह मैं नहीं छेड़ रहा, डिजाइन एकदम सही रहेगा जैसा। अब चेंजेस करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, टाइटल, टाइटल आपके हैंड में होना चाहिए। तो सबसे पहले फंक्शन का ये जो ये है ना, ये सब जहां पे आपके पास फूड कार्ड लिखा हुआ है, इसके अंदर आप लिख देंगे प्रॉप्स, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉप्स को पास करवा रहे हैं ताकि हम मैक्सिमम डेटा को डायनामिक बना सके। इसके बाद जनाब, अब हम यहां पे आएंगे और ये जो टाइटल है इसमें लगा देंगे प्रॉप्स। कैसे लगाएंगे देखें, बिल्कुल वही पुराना वाला मेथड है प्रॉप्स। और इसको जब मैं कंपोनेंट में कॉल कराऊंगा तो इसका नाम रख देता हूं टाइटल, ठीक है। इसी तरह डेट प्रॉप्स डॉट डेट, ठीक है भाई। इसकी इसी के साथ इमेज है ना, इधर कर देते हैं प्रॉप्स डॉट इमेज, ठीक है, आईएमजी। इसके बाद इमेज का टाइटल है यानी कि डिस्क टाइटल, प्रॉप्स डॉट डिश टाइटल, ठीक है भाई। फिर इसके बाद पैराग्राफ है, एक लाइन का पैराग्राफ, इधर डाल देते हैं प्रॉप्स डॉट इनिशियल, प्रॉप्स डॉट लाइन कर देते हैं, एक लाइन का पैराग्राफ है ना, या लाइन पैरा, ठीक है, लाइन पैरा। उसके बाद अब ये आ गए हमारे पास मेथड, सही है। तो मेथड में यहां डाल देते हैं प्रॉप्स डॉट स्टेप वन, ठीक है। ये वाले पैराग्राफ को हटा के इसको भी डायनामिक कर देते हैं और इसके बीच में डाल देते हैं प्रॉप्स डॉट स्टेप टू। इसको भी हटा देते हैं और इसको भी डायनामिक कर देते हैं प्रॉप्स डॉट स्टेप थ्री। फिर आपके पास ये बचता है, इसको भी हटा देते हैं प्रॉप्स डॉट स्टेप फोर, ठीक है भाई। ये हमने किया काम, क्या किया हमने, हमने कार्ड में से सारे डेटा को रिमूव कर दिया। अगर मैं गूगल पे दिखाऊं आपको, अच्छा एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुई है, चेक कर लेते हैं क्या कह रहे हैं भाई। अच्छा मैंने कहीं सिंटेक्स में कोई गड़बड़ कर दी है, इधर ब्रैकेट सही है, इधर भी सही है, लाइन पैरा ये भी सही है। अच्छा किस लाइन में आया देख लेते हैं जाके, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रॉप्स। अच्छा ये मैंने यहाँ पे ऊपर प्रॉप्स में एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दिया, वैसे ही अब ये हो गया। अच्छा अब आते हैं इधर, रिफ्रेश करते हैं। अब रिफ्रेश मैं इसको जब करूंगा तो देखिए मेरे पास एक एम्प्टी, तीन एम्प्टी कार्ड आ गए। तीन एम्प्टी क्यों आए, इधर इधर से हम कॉल भी सिर्फ एक फूड कार्ड को करा लेते हैं, एक कंपोनेंट को, एक फंक्शनल कंपोनेंट। अब आपने देखा, ये देखें सब एम्प्टी, ना मेथड, सिर्फ मेथड आया हुआ, क्योंकि मेथड तो वहां पे मैंने उसको डायनामिक नहीं किया। यहाँ पे एक एक चीज एम्प्टी है, गौर से सुने मेरी बात, एक एक चीज एम्प्टी। अब क्योंकि ये चीज हो चुकी है डायनामिक यूजिंग प्रॉप्स, अब देखें मैं क्या करूंगा, आप बस देखते जाएं और आप देखिएगा कि किस तरह डेटा जो है फिल होना शुरू होता है। चले भाई 1 2 3 गो। फूड कार्ड में सबसे पहले हम टाइटल को डाल देते हैं और इधर टाइटल लिख देते हैं जनाब बिरयानी, ठीक है भाई। ये देखें आगे टाइटल बिरयानी, देखें टॉप पे आ गया क्योंकि उसको प्रॉप से पास हुआ हुआ था, सही है भाई। उसके बाद हम देखें हमने दूसरी चीज क्या प्रॉप से पास करवाई हुई है, प्रॉप डॉट डेट भी हमने करवाई हुई है। तो डेट इक्वल्स टू और डेट डाल देते हैं जनाब आज की, जो के है 4 अप्रैल 2021। ये देखें डालते ही डेट आ गई है इधर, समझ रहे हैं आप। इमेज भी ले आते हैं हम गूगल से जाके, बिरयानी,
और कोई भी रैंडम इमेज, जस्ट कॉपी द लिंक ऑफ इमेज, इमेज एड्रेस, और इमेज का जो हमने नाम रखा था वो रखा था img equals to props में जो वहां पे नाम दिया है बस वो यहाँ पे आप डाल दें, आपका डेटा डायनामिक खुद ही हो जाए। ये चेक करें आप, इमेज भी डायनामिक, सही है। उसके बाद आपने क्या बताया इधर कार्ड्स में, और भी चीजें आपने दी हुई है, लाइन पैराग्राफ, लाइन पैराग्राफ, लाइन पैरा, और इधर आपने एक अदद लाइन बिरयानी के बारे में लिख दी, स्पाइसी। मैं अभी ऐसे ही रैंडम लिख रहा हूं, स्पाइसी बिरयानी, ठीक है भाई। ये देखें, ये आ गई ये लाइन, हर वो चीज अब डायनामिक हो चुकी है जो कार्ड में मौजूद थी यूजिंग प्रॉप्स। प्रॉप्स को बिल्कुल हल्का नहीं ले भाई, प्रॉप्स बड़ी बेहतरीन चीज है, आधे से ज्यादा काम। अब मेथड वन पे आ जाए, क्या बनाया था हमने, स्टेप वन, टेक, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको कोड नजर आता रहे, सही है। या इसको मैं लाइन ब्रेक भी कर सकता हूँ, सही है भाई, लाइन ब्रेक कर देते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। इमेज एक लाइन में, डेट एक लाइन में, कैसा अब ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा। टेक वाटर स्टेप वन, ये देखें टेक वाटर स्टेप वन हो गया। इसके बाद स्टेप टू, स्टेप वहां पे जितने बनाए हुए वो सब आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बॉयल इट, मैं ऐसे ही बना रहा हूं अभी, बॉयल इट। इसी तरह स्टेप फोर, स्टेप थ्री या स्टेप फोर, जितने भी हमने वहां पे बनाए थे सारे कंपोनेंट आप कॉल करा सकते हैं। लीव इट फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। और ये आपने यहाँ पे स्टेप्स आपके इधर आना शुरू हो गए, सही है। ये आपका मेन्यू बार, ये आपकी लाइन, ये बिरयानी। आप चाहे तो इस अवतार जो आर लिखा हुआ है इसको भी आप डायनामिक कर सकते हैं, इसमें भी इमेज लगा सकते हैं, समझ रहे हैं आप। अब मैं आपको बताता हूँ इसका फायदा क्या है। ये देखें, एक रेसिपी रेस्टोरेंट की बन गई, सेकंड रेसिपी बनानी है, जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करें, नीचे बन गया इसका, और सब कंटेंट चेंज कर दें। अब आप बस रेसिपी बनाए जाए, प्रॉप्स ने आपको डायनामिक बना के दे दिया। अब यहाँ पे आप बिरयानी की जगह पिज्जा डाल दें, पिज्जा की डेट 5 अप्रैल, जो भी आपको करनी है 3 अप्रैल, 5 अप्रैल, यहाँ से इमेज हटाएं, पिज्जा की लगाएं। आपको और डिशेस चाहिए जस्ट कॉपी करें और इसका मल्टीपल इसको बनाते जाएं, बनाते जाएं, ये आपको कॉपी क्रिएट करता रहेगा और इस तरह आपकी रेस्टोरेंट वेबसाइट बेहतरीन किस्म की तैयार हो जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा, इसको अगर आपने इसको साइड बाय साइड करना है तो आपको बस एक क्लास लगानी पड़ेगी फ्लेक्स की, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे आप तो ये जो अभी अप डाउन नजर आ रहा है ना, ये आपको लाइन से नजर आएंगे, ठीक है। तो CSS की डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा क्योंकि मुझे अभी कंपोनेंट समझाना है। तो इसको आप साइड बाय साइड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना आपको, app.js में जाने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको डिस्प्ले फ्लेक्स दे देना है और ये इसको साइड बाय साइड कर देगा अरेंज। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी पहली वेबसाइट को लाइव करेंगे, इस कुकिंग वेबसाइट। अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीक हमने जो लास्ट क्लास में हमने ये किया था कि हमने ये अपनी एक वेबसाइट बनाई थी और ये था इसका VS कोड, ठीक है भाई। ये हमारी वेबसाइट, सॉरी, एंड दिस वन इज द VS कोड फॉर दिस वेबसाइट, ठीक है भाई। ये हमने सिंपली बनाया था और app.js में हमने कार्ड्स और ये सारा काम किया था। आज हम वेबसाइट डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट्स में, और यही वाली वेबसाइट को हम डिप्लॉय करेंगे। तो जल्दी से क्विकली देखते हैं कि हमें क्या क्या जरूरत होती है। सबसे पहले आपको नोड जेएस को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। नोड जेएस कैसे इंस्टॉल होगा भाई, ये रही नोड जेएस की वेबसाइट, nodejs.org, एंड दिस इज द LTS वर्जन यू हैव टू इंस्टॉल। उसके बाद आपको सर्च को इंस्टॉल करना है, सर्च 1 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है। आपको सर्च की वेबसाइट पे जाना है, search.sh, इसको कॉपी करना है। नोड जेएस इंस्टॉल करने के बाद cmd खोलना है एंड जस्ट राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है npm install search -minus global space search एंड जस्ट प्रेस एंटर एंड इट विल हार्डली टेक 1 to 2 मिनट्स फॉर इंस्टॉलेशन।
जब आप इसको इंस्टॉल कर लें, फिर आपको ये इंस्टॉल करना है npm install -g yarn, yarn को इंस्टॉल कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये हम ये इंस्टॉल हो जाएगा, अभी हो गया इंस्टॉल। फिर आपको जस्ट ये yarn को इंस्टॉल करना है npm install -g yarn and just press enter and the installation will begin and it will take just 1 second for the installation। अब आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोजेक्ट, अच्छा सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट फाइल में आएंगे जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है। मेरा प्रोजेक्ट इधर पड़ा हुआ है, ये रेसिपी वाला, इधर मैं खोल लूंगा सीएमडी। सीएमडी खोलने के बाद मैं इधर सर्च जो मैंने इंस्टॉल किया है, अब मुझे उसमें लॉग इन करना पड़ेगा। तो सर्च लॉग इन पे क्लिक करूंगा। सर्च लॉग इन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करूंगा। तो मेरा ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है, लेकिन आप लोग अपना अपना बनाना पड़ेगा आपको। तो मैंने unaishazan@gmail.com ये मेरा आईडी है। और जब आप पासवर्ड डालेंगे, वो पासवर्ड आपको स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा, मतलब आप टाइप करेंगे यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन वो बैक एंड पे टाइप हो रहा होगा। तो जस्ट आपको पासवर्ड डाल के एंटर दबा देना है। तो मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और एंटर दबा देता हूँ एंड सक्सेसफुली लॉग इन। यही सेम आपके पास भी आएगा, सही है। बफर्ट ये होगा, मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, आपका अकाउंट क्रिएट भी हो जाएगा और लॉग इन भी हो जाएगा, ठीक है। याद आप आ गए बिल्कुल। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है सर्च, नहीं सब इसके इसी फोल्डर में, आपको प्रोजेक्ट फोल्डर में ही रहते हुए सारा काम करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे यार्न बिल्ड, और यार्न बिल्ड आपको चलाना है, और यार्न बिल्ड यहाँ पे आपकी एक स्क्रिप्ट बिल्ड करेगी, और जो कि हार्डली 1 मिनट के अंदर हो जाती है। लेट्स सी, तो इसके जरिए आप सर्च के जरिए अपनी वेबसाइट को विद इन 5 मिनट रिएक्ट की वेबसाइट को डिप्लॉयड कर सकते हैं। तो आपने यहां तक कर लिया। आप देखिए बहुत आसान सा स्टेप है, आपको लिखना है सर्च .forward build, सही है, .forward build, सर्च .forward build। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आपसे पूछेगा भाई आपको डोमेन नेम क्या रखना है, तो डोमेन नेम गौर से देखें आप, सर्च .sh नहीं हटा सकते ना, ये फ्री डोमेन का हिस्सा है, क्योंकि .com वगैरह तो हमने परचेज किया हुआ नहीं है। तो सर्च .sh एज इट इज रहेगा। हाँ, इससे पहले जो लिखा हुआ गिलीमिन सब्सटेंस, ये हम अपनी मर्जी से डाल सकते थे। यहाँ पे हम डाल देते हैं रेसिपी 2021। आपको यूनिक डोमेन बनाना पड़ेगा, क्योंकि 30,000 डोमेन ऑलरेडी डिप्लॉयड है सर्च पे, 30,000 से ज्यादा, मिलियंस होंगे बल्कि। तो आपको यूनिक डोमेन बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक नंबर भी दे दिया, रेसिपी 2021। तो चांसेस यही है कि ये इजीली बन जाएगा। एंटर दबाते हैं। ओ शुक्र, ये एक्सेप्ट हो गया। और ले भाई, आपकी वेबसाइट विद इन 5 मिनट लाइव हो गई है यूजिंग सर्च। अब आप जाएं गूगल पे, इधर पेस्ट करें अपने URL को, एंड हियर वी आर आवर रेसिपी वेबसाइट बिरयानी, और ये सब, ये आपका लाइव हो गया है विद मेथड्स, ठीक है भाई। ये था हमारा सर्च पे डिप्लॉय कराने का फायदा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।